नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में विदेशी पर्यटकों को लेकर। बिहार सरकार प्रदेश में उन स्थलों को चिन्हित कर रही है जहां पर्यटन को विकसित किया जा सके, यानी कि सैलानियों का वहां जो है तांता लगता हो, या फिर ऐसी जगह है जहां पे सैलानी सबसे ज़्यादा आते हो। खास करके अगर हम बात कर लें वैशाली की, तो वैशाली में भी पर्यटक आते रहे। उसके बाद नालंदा, सासाराम, ये वो जगह है, गया, राजगीर, ये वो जगह है जहाँ पर विदेशी पर्यटकों का तांता लगता है। ऐसे में बिहार सरकार जो है इन स्थलों को, इसी तरह के स्थलों को चिन्हित कर रही है ताकि जो है वहाँ पर विकसित किया जा सके, उन स्थलों को विकसित किया जा सके। जैसे कि सासाराम के वाटरफॉल को विकसित किया जा रहा है ताकि वहां पर्यटकों की संख्या को बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ प्रदेश में जो बिहार की धरोहर है, हमारी संस्कृति है, उसे भी संरक्षित किया जा रहा है। जब विदेशी सैलानी अपने प्रदेश यानी कि अपने बिहार में आए तो हम अपने अतीत के बारे में उन्हें बता सकें, उन्हें हम बता सकें कि देश दुनिया में हमारी क्या महत्ता रही है और आज हम जहां खड़े हैं उसके पीछे हमारे पूर्वजों ने कितना बड़ा योगदान दिया है। हम अगर भारत की समृद्धि को देखेंगे तो उसमें इसका इतिहास, इसकी संस्कृति, इसका खान पान, इसका रहन सहन सब आता है। अब पर्यटन विभाग तस्वीरों के माध्यम से विदेशी पर्यटकों को दिखाने का निर्णय लिया है कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध रही है। हम विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाते रहे हैं, चाहे वह मगध साम्राज्य हो या फिर भगवान बुद्ध से जुड़े हर प्रसंग, हर कालखंड में बिहार की अपनी एक अलग भूमिका रही है। आइए अब हम जान लेते हैं विदेशी पर्यटक जब प्रदेश में आएंगे तो उनके रहने और घूमने तक में किस किस तरह की सुविधाएं बहाल करने को लेकर जो है बिहार सरकार ने एक योजना बनाई है। बता दें कि पर्यटन विभाग सभी होटल एवं रेस्टोरेंट को नए सिरे से सुंदर बनाने में लग गया है। बता दें कि इन होटलों में मिथिला की पेंटिंग की जा रही है ताकि बिहार की एक झलक आप पेंटिंग में भी देख सकते हैं। बता दें कि इस पेंटिंग के लिए प्रदेश के छात्रों को मौका दिया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद से इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा। विभाग होटल और रेस्टोरेंट को दोबारा से लीज पर देगा जिसमें कि आने वाले सैलानियों को तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया होगी। साथ ही इस बात पर भी ध्यान रखा जाएगा कि जहां सैलानियों को रुकने की व्यवस्था हो वहां उनके खान पान पर भी ध्यान दिया जा सके। बाज़ार में मिलने वाले जो सामान है उसके दर में जो है, यानी कि उससे कम दर में ही होटलों में और रेस्टोरेंट में ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनके खाने की व्यवस्था वहीं पर कम पैसे में हो सके। इन दिनों पर्यटन विभाग सभी ज़िलों में एक एक पर्यटन केंद्र खोलने का निर्णय लिया है जिससे कि आपको प्रदेश के साथ साथ जिलों के हिसाब से पर्यटकों के तमाम जगहों के बारे में जानकारी आसानी से मिल सकेगी। आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं बिहार में पर्यटन की स्थिति को लेकर। पर्यटन मंत्रालय की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों के आने के मामले में बिहार देश में शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है। आपको बता दें कि देश के पहले जहाँ पे सबसे ज़्यादा पर्यटकों की संख्या है और वो है महाराष्ट्र, यहाँ पे आने वालों की संख्या 17.6% है। तो वहीं दूसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में विदेशी पर्यटकों की संख्या जो है 17.1% है, यहाँ इतने लोग जो है घूमने आते हैं। तीसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश और यहाँ पे जो है 12.4% लोग जो है विदेशी पर्यटक जो है वो घूमने आते हैं, उत्तर प्रदेश का दीदार करते हैं। वहीं अगर हम बिहार की बात कर लें तो बिहार में विदेशी पर्यटकों की संख्या 4.2 है और पूरे देश में यहाँ विदेशी पर्यटक जो आते हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो बिहार का नाम, यानी कि बिहार का जो नंबर आता है वो 9वां नंबर है, यानी कि टॉप 10 में जो है बिहार अभी शामिल है विदेशी पर्यटकों के मामले में। वहीं बिहार के बाद जो राज्य आता है उसका नाम है गोवा और यहाँ जो है 9वें यानी कि 10वें नंबर पे जो है सैलानी घूमने आते हैं और इसकी जो संख्या है वो 4.1 है। विदेशी पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ सालों से जिस तरह से प्रदेश में देश के सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, बिहार सरकार अब उतनी सुरक्षा और सुविधाओं पर भी विशेष तरीके से जोर दे रही है। इन दिनों नालंदा, सासाराम, गया को विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। बता दें कि इन स्थलों पर विदेशी सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो एक तरह से कहने की बिहार सरकार जो है एक तो नए पर्यटन स्थलों का चुनाव कर रही है और उनको विकसित करने की बात कह रही है, साथ ही साथ जो पुराने हमारे यहाँ जो पुरानी संस्कृति है, पुराने धरोहर है, उसको भी विकसित कर रही है ताकि पर्यटक जो है विदेशी पर्यटक खास करके वो यहाँ आए और बिहार की संस्कृति को जान सके, हमारे अतीत को जान सके, हमारे कार्यों को जान सके। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।